करते हैं वो तो अच्छे होंगे। अभी आप लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है जिसके अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम का क्लास अभी आप लोग का ले रहे हैं, जिसका 9 क्लास पहले ही ले चुके हैं। आज 10वां क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्लास होने वाला है। वो पीछे जो क्लास अभी 2-3 बैच से ले रहे हैं वो सब SSC के मेंस के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, और आज जो सवाल होने वाला है आज जो सवाल आप लोग का लेने होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत, वो सारे SSC के मेंस के सवालों को हम सॉल्व करेंगे कि मेंस में SSC के उसके रिमाइंडर थ्योरम संबंधित सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभी तो बस मैं रिमाइंडर थ्योरम के कुछ टॉपिक को खत्म किए हैं, ऐसा नहीं कि आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो उसके बाद फिर क्लास आएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का मेन टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर लाएंगे तो वो रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा अलग हटके बातें होगी, वो भी रिमाइंडर थ्योरम का ही रहेगा, शेषफल का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अलग हटके रहेगा। तो मेन रिमाइंडर थ्योरम आज आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन समय अति उत्तम सवालों को हम लोग पढ़ेंगे। एक एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग सारे सवाल को ध्यान से देखिएगा, और जो सवाल इसमें दिया हुआ उसको आप लोग खुद से बनाने का पहले प्रयास कीजिएगा, करने के बाद फिर जो हम तरीका बता रहे हैं उसका आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास बहुत आनंद पूर्वक करेंगे, और आज बताए हुए सारे प्रश्न को बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करके उसे खुद सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज क्लास रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट क्लास होने वाला, इसलिए आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और सारे मेंस में आए हुए बहुत ही औसम सवाल को कैसे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं वो सारे सवाल का सलूशन हम आज देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का सेशन बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर कुछ सीखने का मौका मिले आज की क्लास में, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बस यही आपसे हमें एक चाहिए, क्योंकि इससे मिलने से हमारा उत्साह क्या होता है, बनता है, और हम बहुत बेहतर कंटेंट को आपके सामने लाते रहते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपका आज के क्लास का। सुबह का 2-3 क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा इजी लेवल का दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे नए हैं थोड़ा समझ पावे। 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर लेवल आपका बदल जाएगा और वो फिर हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं आज क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है। करा 3 पे पावर 73, 3 पे पावर 74, 3 पे पावर 75, 3 पे पावर 76 निम्न में किससे विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व किया जाए। इस तरह का सवाल आप लोग को हम गुणनखंड में बताए थे, गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जो मेंस में आया था, नहीं पढ़े हैं वहाँ जाके पढ़िएगा। गुणनखंड का ये बहुत सारा टॉपिक आपका खत्म कर चुके हैं, लिस्ट में जाइए और उसको सॉल्व खोज करके पढ़ लीजिए। देखिए क्या करते हैं इसमें, अगर हम 3 पे पावर 73 कॉमन कर लेते, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 3 पे पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 3 पे पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा 3 पे पावर 3, ये ना बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 3 27, 3 3 9, 3 1 4 और 1 सॉल्व कीजिए, 9 4 9 1 10, 10 4 14, 14 5 4 9 2 1 3 कितना हो गया 39। मतलब इसको हम कह सकते हैं 3 पे पावर 73 गुना 39। अब इसमें किससे भाग लगा गया, 13 से, ऑप्शन संयोग से ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, 13 से इसमें हम भाग लगाते हैं तो 13 3 39, इसका मतलब हो गया किससे भाग लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से इसमें क्या होगा पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। इस तरह के सवाल के सबसे पहले दिए कि व्यंजक को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके लास्ट में देखिए कहीं ना कहीं कुछ कटता है, जो कटने का डर है उसको पता कीजिए। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो गया 13 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन 2 पे पावर 53 प्लस 2 पे पावर 54, 54 55 और 56 दिया हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि किससे भाग लग रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं 2 पे पावर 53 हम कॉमन कर लेते हैं, ये तो पूरा निकल गया तो 1 बच गया, यहाँ पे क्या होगा 53 निकाले 2 पे पावर 1 बच गया, यहाँ पे 2 पे पावर 2 बच गया, और यहाँ 2 पे पावर 3 बच गया। सॉल्व करेंगे 2 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2 1 2 और 1 कितना होगा, 2 देख लीजिएगा, 8 7 12 2 13 1 14, इसका मतलब है इसको हम क्या कह सकते हैं 2 पे पावर 53 गुना, देखिए किससे भाग, क्या 3 से भाग लगेगा, कभी नहीं, 7 7 से अगर भाग लगाते हैं 7 2 14 पूरा का पूरा भाग लग गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। थोड़ा अभी आसान लेवल क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी में थोड़ा हाई लेवल भी होगा, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए उसके बाद समझ में आएगा क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 क्या कह रहा है, 4 पावर 71 72 73 74 प्लस में है, निम्न में किससे विभाज्य आपको पता करना है। सेम क्वेश्चन है, क्या करते हैं यहाँ भी 4 पावर 71 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 पे पावर 1 बच गया, यहाँ 4 पे पावर 2 बच गया, यहाँ 4 पे पावर क्या बच जाएगा 3, तब ना 3 1 4, सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 16 64, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 1 4 1 कितना होगा 16 4 20, 20 84 1 कितना हो गया 85। इसको हम क्या कर सकते हैं 4 पे पावर 71 गुना 85, देखिए इसे 85 है, 17 5 85 भाग लग जाएगा, 17 5 85 पूरा का पूरा भाग लग गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। कभी भी इस तरह का सवाल अगर दे, प्राय आ जाता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, कैसे निकालेंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। अब इसी में थोड़ा हाई लेवल सवाल क्या आता है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन है सब, केवल ऑप्शन आपका बदल दिया है। यहाँ पे वो ऑप्शन डायरेक्ट हमें मिल जाता था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, बस काम वही करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 4 पे पावर 71 कॉमन कर लेंगे, 1 बचेगा 4 पे पावर 1 बचेगा, 4 पे पावर 2 बचेगा और 4 पे पावर 3। पीछे भी किए भी थे, सब मिला के देखिए कितना आया यहाँ पे, 4 जो भी आया हो 4 64 4 16 4 1 4 और 1 ये आया था आपको 4 पे पावर 71 64 16 कितना 70 4 70 80 84 1 85। अब देखिए ऑप्शन अगर 10 ले तो भाग नहीं लग रहा है, 11 ले तो भाग नहीं लग रहा है, 13 ले तो भाग नहीं लग रहा है, अगर 14 नन ऑफ, इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन नन ऑफ दिस, लेकिन ये गलत है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, डायरेक्ट हमें ये नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अगर अलग हटके देखें इसको तो 4 पे पावर 70 × 4 पे पावर 4 × 85 इसको कह सकते हैं, 71 था, 70 पर ऐसे 71 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20 8 × 32 दो कितना हो गया 34 340। अब देखिए इसका मतलब हो गया ये कितना हो गया 4 पे पावर 70 × 340 कह सकते हैं इसको, मतलब इस पूरे टर्म को जब सॉल्व किया लास्ट में क्या मिला 4 पे पावर 70 × 340। अब देखिए इसमें किससे भाग लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्या होगा आपका 10 से भाग लग रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर। तो कभी कभी क्या होगा डायरेक्ट नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा उसको इलाबोरेट कर लेते हैं, हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होता है मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में जरूर आया होगा, ये सवाल जो है आपको SSC में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल भी सेम टाइप का, बहुत अच्छा सवाल है, 4 बार था इसलिए 5 बार कर दिया है, तो कोई विशेष नहीं है, बस पीछे सवाल समझ गए होंगे, ये सवाल भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं इसको, 3 पे पावर 25 अगर कॉमन कर ले, पीछे वाला कहानी, यहाँ 1 बचेगा या 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 3 का 29 तक गया 3 पे पावर 4, तो ना 25 4 कितना हो जाएगा 25 4 29, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 पावर 4 होता है आपका 81, 3 3 9 9 27, 3 3 9 3 और 1, ये सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 3 पे पावर 25 गुना कितना होगा 81 90 90 90 324 121, कितना हो गया 121 हो गया, 121 मतलब 3 पे पावर 21 × 3 पे पावर 25 × 121। अब देखिए 13 से भाग लगाएंगे नहीं लगेगा, 33 से डायरेक्ट लगाएंगे तो समझ नहीं आ रहा है, 37 से तो आ ही नहीं रहा है, तो 19 से भी नहीं लग रहा है, लग तो रहा होगा नहीं होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा थोड़ा ध्यान सोचिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 × 11 कर सकते हैं 11 का स्क्वायर। अब इसको हम कह सकते हैं, समझाने कितना क्लियर कर रहे हैं, ऐसे हम बोल के भी निकाल सकते थे, 3 पे पावर 25 को 3 पे पावर 24 × 3 कह सकते हैं और 121 को 11 × 11 कह सकते हैं। अब देखिए इसका एक फैक्टर क्या बन गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 पे पावर 24 × 33 × 11। क्या इसमें देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 33 से भाग लग रहा है, लग रहा है ना भाग 33 से, दिख नहीं रहा था शुरुआत में तो नहीं दिखा, लेकिन जब इसको एलाबोरेट किए क्या पाएंगे 11 × 11 पाया गया, और ये 3 तो इसमें 25 बार 3 है, 3 तो बाहर कर लेंगे ना, 11 3 33 किससे भाग लग जाएगा 33 से भाग लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर कभी नहीं दिख रहा हो अगर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालने का प्रयास करते हैं, तो पहले थोड़ा इलाबोरेट कर लिए उसको, फैक्टर कर दिए, फिर देखिए कहीं ना कहीं निकल रहा होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा किस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है 4 पावर 81 82 83 84 85 तक गया हुआ है, जिनमें किससे विभाज है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करके हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसका क्या उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग भी, और हमें कमेंट करते ना तो हमें लगता है कि हाँ हमारा मेहनत क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें जरूर बताएंगे किसका उत्तर क्या होगा, उत्तर सॉल्व करके हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कर रहा x² × x² − 1 सदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, कुछ नहीं करना है, जब ऐसा सवाल दिया हुआ है तो पहले आपको एक तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए x² क्या करना है, जहां x क्या है आपका एक नेचुरल नंबर हो, नेचुरल मतलब शुरुआत कहां से होता है, 1 से होता है, अगर x = 1 लेते हैं, अगर x = 1 लेंगे तो क्या होगा 1 × 1² − 1 = 0, अगर x = 2 लें 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर − 1, 3 × 4 = 12, अगर x = 3 लें तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर − 1, 3 का स्क्वायर 9 में से 8 9 8 72। क्या देखिए कि 1 लेंगे 0 12 18, ऐसा क्या संख्या है जो तीनों में कॉमन आपको आ रहा है 12, 0 में भी 12 से भाग लगेगा, 12 में भी लगेगा और 72 में भी लगेगा, कहीं ऐसा 2 भी लगेगा, आपका यहाँ 3 भी लग रहा है,
छह भी लग रहा है लेकिन कह रहा है बड़ा से बड़ा, क्वेश्चन पढ़िए बड़ा से बड़ा ऑटोमेटिक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, बारह ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन सदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हो कैसे लगा, जीरो मान लो, एक मान लो, दो मान लो, नहीं उसे नहीं करना है, बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, समझिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, फाइनली इसको अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये आपको क्या दिख रहा है, तीन लगातार प्राकी संख्या का गुणनफल है, क्योंकि x क्या नेचुरल नंबर है, x कोई भी संख्या मान लेते अगर पांच है चार पांच छह बन जाएगा, सात है तो छह सात आठ बन जाएगा, नौ है तो आठ नौ दस बन जाएगा, संख्या ही ना बनेगा, ये क्या हो गया तीन लगातार प्राकी संख्या है। तो तीन लगातार प्राकी संख्या के गुणनफल को व्यक्त करने वाली संख्या क्या होता है वो ध्यान रखिएगा, कितना संख्या है तीन, संख्या क्या बन जाएगा आपका फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा। अगर चार लगातार प्राकी संख्या को गुणनफल को व्यक्त करना हो तो फैक्टोरियल चार हो जाएगा, पांच लगातार प्राकी संख्या व्यक्त करना हो फैक्टोरियल पांच हो जाएगा, तो कितना लगातार संख्या फैक्टोरियल तीन लगातार संख्या, फैक्टोरियल तीन का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, एक गुना दो गुना तीन, तीन दुना कितना हो गया छह, इसका मतलब है कि संख्या में हमेशा किससे भाग लगेगा तो छह से भाग लगेगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि एन लगातार प्राकी संख्या गुणनफल को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होती है फैक्टोरियल एन, एन लगातार, समझने की इच्छा हो लिख सकते हैं एन लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल को विभक्त करने वाली जो वो संख्या होती है वो होती है फैक्टोरियल एन, कोई भी लगातार संख्या, समझने के लिए हम तीन लगातार संख्या लेते हैं पंद्रह गुना सोलह गुना सत्रह, तीन लगातार संख्या है ये हर हाल में फैक्टोरियल थ्री से विभाज्य होगा, करके देखिए फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या होता है छह, छह से भाग लगाइए तीन दुना छह तीन पचे पंद्रह दो अठे सोलह, लग गया भाव, ध्यान रखिएगा कि कोई भी एन लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल को व्यक्त करना हो, एन लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल को व्यक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होती है फैक्टोरियल एन, इसको आप लोग क्या कीजिएगा ख्याल में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के क्यू माइनस के सदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से क्या होगा विभाज्य होगा, यहाँ की आपका क्या है नेचुरल नंबर है, सॉल्व करके देखिए इसको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, के कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा के स्क्वायर माइनस वन, अब इसको हम करते हैं के इन टू, इसको कर सकते हैं ना एक स्क्वायर, एक स्क्वायर एक ही होता है के प्लस वन इंटू के माइनस वन, तो फाइनली ये क्या सीरीज बन गया के माइनस वन इंटू के प्लस वन, क्या दिखा है अभी ये भी क्या है आपका तीन लगातार प्राकी संख्या का गुणनफल है, अगर तीन लगातार प्राकी संख्या का गुणनफल है तो बताएं जितना लगातार संख्या होगा वो फैक्टोरियल एन से उतना क्या होगा विभाज्य होगा, तीन लगातार संख्या है तो फैक्टोरियल थ्री से क्या होगा विभाज्य होगा, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल थ्री का मतलब क्या होता है छह, ऑप्शन नंबर क्या हो गया चार खत्म, कोई आपको के का वैल्यू मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटे सवाल में तो मान लीजिएगा कि जब बड़ा सवाल मिलता है तो मान नहीं पाते, इसलिए आप इस आस्था को पकड़िए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बात थोड़ा वाले हटके हैं, कह रहा है इफ एन इज ग्रेटर देन टू, दो से हमेशा एन का मान क्या है बड़ा है, एंड एन इज ए नेचुरल नंबर, एन क्या है आपका एक प्राकृत संख्या, हल्का इंग्लिश आप लोग समझ पा रहे होंगे छोटा सा इंग्लिश है आप लोगों को, नहीं तो हिंदी में बोल देते हैं एन, एन इज ए नेचुरल नंबर जहां एन क्या है प्राकृत संख्या है, तो आपको पता करना है एन क्यू माइनस एन इंटू एन माइनस टू इज डिविजिबल बाय, मतलब एन क्यू माइनस एन इंटू एन माइनस टू किससे विभाज्य होगा आपको ये पता करना है, जहां एन क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, बताइए वैल्यू पूरे एकदम मत कीजिए, इसको क्या कहेंगे एन इंटू, तो इस चीज को पीछे सॉल्व किए हैं एन स्क्वायर माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये क्या हो गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, समझ रहे हैं बात को इंटू एन माइनस वन और एन माइनस टू, इसको रीअरेंज करने को क्या कर सकते हैं एन माइनस टू, एन से दो काम एन से एक काम एन खुद और एन प्लस वन, ये क्या दिखा आपको अगर मान लिया एन का मान सात तो दो कम पांच छह सात आठ नौ, नौ सात नौ में दो कम सात आठ नौ दस, क्या निकला ये निकला लगातार चार प्राकी संख्या है, लगातार चार संख्या है ना, क्या बोले एन लगातार संख्या व्यक्त करेंगे किससे फैक्टोरियल एन से, तो चार लगातार प्राकी संख्या है विभक्त होगा किससे फैक्टोरियल चार से, फैक्टोरियल चार का मतलब क्या होता है दो गुना एक गुना पता होगा आपको एक गुना दो गुना तीन गुना चार, चार से बारह दुना चौबीस, इसका मतलब है दी गई संख्या किससे विभाज्य होगा ऑप्शन नंबर दो चौबीस से क्या होगा विभाज्य होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी बात समझ में आ रहा होगा, ये जो कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा कि एन लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल को व्यक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है फैक्टोरियल एन होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा आप, दस लगातार होगा फैक्टोरियल दस से विभाज्य होगा, पंद्रह लगातार प्राकृत संख्या चाहे शुरुआत कहीं से भी हो सौ से शुरुआत क्यों नहीं हो लेकिन वो हमेशा ही फैक्टोरियल एन से क्या होगा विभाज्य होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कर आई तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डॉट डॉट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ग्यारह इज नॉट डिविजिबल बाय, ये जो संख्या है ये किससे, इन चारों ऑप्शन में से किससे ये विभाज्य नहीं है। बस आपको छोटा सा बात इसमें पूछा गया है कि x क्या है, x into x plus 1 x plus 2 dot dot x plus x square 11 is not divisible। अभी तक पहले divisible पूछ रही थी, अब यहाँ कह रहा है not divisible, मतलब ये term किससे विभाज्य नहीं है। ये देखिए पहले आप ये कितना लगातार संख्या होगा, अगर x है तो कितना समिला संख्या कितना बनेगा, 112 बनेगा। तो ये संख्या 112 है, ये विभाज्य किससे होगा, फैक्टोरियल 112 से क्या होगा, ये विभाज्य होगा। हमें ये पता है ये संख्या जो होगा वो फैक्टोरियल 112 से विभाज्य होगा, क्योंकि संख्या को दो होता फैक्टोरियल दो, तीन टर्म ले देते फैक्टोरियल तीन से विभाज्य होता, और ये कितना टर्म तक किया 111, समिला टर्म कितना बनेगा 112 बनेगा। मतलब ये टर्म जो है किससे विभाज्य होगा, फैक्टोरियल 112 से विभाज्य होगा। अगर फैक्टोरियल 112 से विभाज्य है इसका मतलब क्या होगा, 112 गुना फैक्टोरियल 111 कह सकते हैं। अगर 112 से विभाज्य है मतलब ये क्या, 111 से भी विभाज्य होगा, 112 से विभाज्य होगा। अब देखिए 119 आपको लग रहा होगा कि 112 में 119 तो आगे जाकर के मिलेगा, फैक्टोरियल 112 से विभाज्य है 119 तो आगे जाकर मिलेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि 119 का मतलब होता है 17 13 का ना, 17 7 119 17 7 119 होता है ना, मतलब 119 का मतलब क्या है 17 और 7, और फैक्टोरियल 112 में हमें पहले ही 17 और 7 तो मिल चुका होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 112 जब लिखेंगे 1 × 2 × 3 कहाँ तक, 7 × 8 9 10 17 20 120 12 तक आना है आपको, उसमें आपको 119 तो मिलेगा ही ना, इसका मतलब 119 से विभाज होगा, मतलब किससे विभाज नहीं होगा, 113 से विभाज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर किसी का फैक्टर बनता ही नहीं है। अगर वो 113 तक होता तो फिर 113 से भी क्या होता है, विभाज्य हो जाता। यही कह रहा है ये संख्या किसी विभाज नहीं है, तो इसका ये पूरा संख्या विभाज होगा किससे, क्योंकि समिला के टर्म है कितना 112 टर्म है, इसका मतलब फैक्टोरियल 112 से विभाज होगा। अगर फैक्टोरियल 112 से विभाज हो रहा है इसका मतलब उसमें 112 से भी भाग लगेगा, फिर 111 से भी भाग लगेगा, 119 से भी लग गया, क्यों 119 का मतलब है 17 7 जो पहले ही मिल चुका हो, केवल किसे भाग नहीं लगेगा, 113 से भाग इसमें नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा, जो कॉन्सेप्ट पीछे से दे रहे हैं उसको आप लोग देखते रहिए आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी का आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्या कह रहा है सवाल समझिए। इफ करें लेट, माना कि बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, बी एक धनात्मक संख्या पॉजिटिव इंटीजर है, और ए बराबर बी ए स्क्वायर माइनस बी है, जहां पे अगर ये बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस बी है, और कह रहा है इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बी का मान हमेशा 4 या 4 से अधिक है, तो पता करना ए स्क्वायर माइनस 2 ए विल बी डिविजिबल बाय। बहुत ही ऑसम सवाल है ये, बी जो है 4 से बड़ा या बराबर है, देन ए स्क्वायर माइनस 2 ए विल बी डिविजिबल बाय, विल बी डिविजिबल बाय क्या होगा आपको ये पता करना है। अब एक तो ए है एक तो बी है, कैसे सॉल्व करें, बस जो रास्ता पीछे बताएं ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है भाग करना ए स्क्वायर माइनस 2 ए, सबसे का फैक्टर करेंगे तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस 2, ए का मान देखिए क्या है यहाँ पे बी ए स्क्वायर माइनस बी, और देखिए यहाँ ये होगा बी ए स्क्वायर माइनस बी इंटू 2, कॉमन कर लिए बी क्या होगा, बी कॉमन करेंगे बी टू बी माइनस, अब देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है, फैक्टर कर देंगे इसका दुगुणनखंड कर देंगे, बी ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी माइनस 2, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा यहाँ से। ये देखिए क्या होगा, b कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा b माइनस 2 और प्लस हो जाएगा b माइनस 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा b इंटू b माइनस 1, ये हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना, b प्लस 1 इंटू b माइनस 2। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करेंगे तो क्या रखेंगे, सबसे पहले b माइनस 2, फिर है आपका b माइनस 1, ध्यान से देखिए हमारी बात को, फिर है आपका b इंटू b प्लस 1, क्या देखिए आपको अगर b कोई धनात्मक संख्या है मानते 5 तो उसे 2 का मतलब क्या 3 4 5 6, ये क्या संख्या निकलेगा आपका, सोच के बताइए ये संख्या क्या निकलेगा आपको, ये निकला लगातार 4 प्राकी संख्या निकल जाएगा आपको, लगातार 4 प्राकी संख्या है, इसका मतलब है क्या बताया कि लगातार n प्राकी संख्या गुणनफल को व्यक्त करने वाली संख्या क्या होता है फैक्टोरियल n, तो 4 लगातार है तो इसमें भाग किससे लग जाएगा बताइए, फैक्टोरियल किससे भाग लग जाएगा, इसमें फैक्टोरियल 4 से भाग लग जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 24, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 आपका उत्तर हो गया। ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से देख लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आया हो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, ये कंडीशन था इसको सॉल्व किए, एक का मान पुट किए, क्या निकला हमें 4 लगातार प्राकृत संख्या, और 4 लगातार प्राकृत संख्या गुणनफल को व्यक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 4 होगा, एन होगा तो फैक्टोरियल एन होगा, और फैक्टोरियल 4 से भाग लगेगा, इसका मतलब किससे भाग लग रहा है 24 से भाग लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है इफ
12 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 14, मतलब n का मान 12 और 40 से 12 से लेकर के 40 के बीच वेरीज कर रहा है n का मान, मतलब n का मान 12 से लेके 40 छोड़ के नहीं क्योंकि बराबर है, मतलब 12 भी ले सकते हैं, अगर ये चीज अगर नहीं होता तब 12 से बड़ा मतलब क्या 13 से होता, लेकिन इक्वल टू मतलब 12 से लेकर के 40 तक है। देन n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 इनटू 2 n माइनस 1 2 3 घटते हुए 1 तक आए विल नॉट बी डिविजिबल बाय, ये किससे विभाज नहीं है आपको ये पता करना है। सबसे पहले इस टर्म को लिखते हैं यहां पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, प्रथम अगर मान लेते 1 2 3 4 n तक होता तो प्रथम n प्राकेश का गुणनफल होता और देखिए कहां 1 2 3 कहां तक गया है, फैक्टोरियल n माइनस 1 तक गया है, मतलब ये जो विभाज होगा वो विभाज किससे होगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 से क्या होगा ये विभाज होगा, मेरी बात समझिएगा, ये टर्म क्या है आपका फैक्टोरियल n माइनस 1 का गुणनफल होगा ना, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 4 3 2 और 1 किसका मान होगा, फैक्टोरियल 5 तक गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं 5 को 6 माइनस 1, इसको क्या कर सकते हैं 6 माइनस 2, बात समझ रहे हैं भाई ना, इसलिए ये गुणनफल किसका हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1 का गुणनफल n माइनस 1 n माइनस 2 घटते हुए 1 तक आ जाएंगे। अगर ये n माइनस 1 है मतलब ये संख्या फैक्टोरियल n माइनस 1 से विभाज्य है, लेकिन कहा है विल नॉट बी डिविजिबल, किससे विभाज नहीं है, n का मान अगर 12 लेते हैं खुद सोचेगा कम से कम मान तो 12 लेंगे, अगर 12 लेंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल आपका 11 बनेगा और फैक्टोरियल 11 है तो 11 में बताइए क्या आपको 5 से भाग लगेगा, अगर किसी में फैक्टोरियल 11 से भाग लग रहा है 11 में आपको 5 है 5 से तो लगेगा ही, 7 11 में 7 लगेगा 7 से लगेगा ही, कहेगा 14 14 से भी लगेगा है 11 तक ही लेकिन 14 होगा क्योंकि 14 का मतलब होता है 2 गुना 7 और एक फैक्टोरियल 11 में हमें पहले ही 2 गुना 2 गुना 3 4 5 6 7 मिल चुका होगा, जब उसको हम 14 से भाग करेंगे तो भाग लग जाएगा, लेकिन ये 13 ये ऑप्शन नंबर सी ये 13 जो आपका है ध्यान समझिएगा ये 13 जो एक अभाज्य संख्या है और कभी भी फैक्टोरियल 11 में हमको 13 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 11 के बाद हमें क्या मिलेगा 13 मिलेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर तो होगा ही नहीं, तो 13 से भाग कब लगेगा जब हमें 13 मिलेगा और फैक्टोरियल 11 में हमें 13 मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा फैक्टोरियल एलिमिनेशन मतलब क्या होगा इस दी के संख्या जो है 13 से विभाज्य नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आया होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहे हैं प्योर मेंस का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा सा सवाल वही है तो पूछने का तरीका बदल दिया, आपका ऑप्शन भी वही है 5 7 13 14, तरीका क्या है यहां कह रहा है इफ 12 इज इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 40, कह रहा है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n, इस n का कुल कितना मान संभव है जिसके लिए n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 1 तक विल नॉट बी डिविजिबल बाय n, मतलब यहां पे पूछा था कि इसमें कौन सा संख्या है जो n से विभाज्य जो इसमें विभाज्य नहीं है, अब कह रहा है n के कुल कितने ऐसे मान है जो इससे विभाज्य नहीं होगा, क्वेश्चन का अंतर है समझिएगा हमारी बात को, यहां कह रहा है इस टर्म में n के कुल कितने मान है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n 12 से लेके 40 तक में n के कुल कितने इतने ऐसे मान होंगे जिसके लिए ये संख्या विभाज्य नहीं होगा, आपको ये पूछ रहा है कि फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 1 तक जो है ये संख्या जो है n के कुल कितने मान के लिए विभाज्य नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, बैक वाला सवाल था कि किससे विभाज्य नहीं है तो आप निकालें, यहां कह रहा है कुल कितने मान है जिससे विभाज्य नहीं है, समझिएगा इसको सबसे पहले हम क्या कहेंगे फैक्टोरियल n माइनस 1 है ना m-1 m-2 m-3 डॉट डॉट 1 तक याद दिए ये गुणनफल किसका है तो m-1 का गुणनफल है, अब बताइए तो m-1 में अगर हम n से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है 1 बचता है किस थ्योरम के द्वारा विल्सन थ्योरम के द्वारा पढ़ाए विल्सन थ्योरम, इतना अच्छा सा आप लोग को बताएं जो नहीं पढ़े हैं विल्सन थ्योरम देख लीजिएगा चाहे चैप्टर नंबर 7 या 8 है 8 ही होगा शायद उसको जाके देख लीजिएगा आप लोग, विल्सन थ्योरम इतना अच्छा सा आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि अगर आप वो देखे होंगे तब समझ में आपको आसानी से आएगा, मतलब फैक्टोरियल m माइनस 1 में अगर हम n से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 मिलता है कब जब n आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है, मतलब अगर n का कोई प्राइम नंबर अगर हो उसमें अगर इसे हम भाग करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 देगा मतलब भाग उसमें नहीं लगेगा, इसका मतलब है n के जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसके लिए यह संख्या विभाज्य नहीं होगा क्योंकि हमेशा उससे कम होगा तो क्या होता है आपका एक ये संख्या आपका क्या बनेगा रिमाइंडर हमेशा 1 का देता है, रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब हो गया n का कुल कितना कहां से कहां तक 12 40 के बीच में एक प्राइम नंबर होता है 13 दूसरा होता है 17 19 उसके बाद होगा 23 उसके बाद होगा 29 उसके बाद 31 और कितना हो गया 36, इसका मतलब है कि 12 से लेकर 40 तक में n के कुल कितने मान 1 2 3 4 5 6 7 n के कुल 7 मान है, n के 12 से लेकर 40 तक में n के कुल 7 मान है जिसके लिए कभी भी ये संख्या जो है उससे विभाज्य नहीं है क्योंकि अगर n का मान लेते हैं कुछ भी n का मान कोई आप मान ले 23 ले लिए क्या भी भाग लगेगा नहीं लगेगा, n का मान 29 लेते हैं फिर भी भाग नहीं लगेगा, n का मान 30 लेंगे फिर भी भाग नहीं लगेगा क्यों हमेशा ये प्राइम नंबर जो होता है रिमाइंडर क्या करेगा एक छोड़ देगा भाग नहीं देगा, और बताए थे कि अगर
अगर ये कोई कंपोजिट नंबर हो, याद कीजिए वहां भी हमेशा रिमाइंडर जीरो करता, मतलब ये n के सारे वैल्यू के लिए रिमाइंडर जीरो कर देगा, किसको छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के। विल्सन थ्योरम में आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाए, जो नहीं पढ़े बार बार करें, देख लीजिएगा, इतने अच्छे तरीका से आपको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, गारंटी रखिए इस बात का। इसका मतलब क्या हो गया, एन के कुल कितने मान संभव है, एन के कुल 7 मान संभव है, जिसके लिए इस संख्या में भाग उससे नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसका फैक्टोरियल हो गया, एन माइनस 1 है, उत्तर क्या हो गया, कुल मिलाकर के एन के 7 मान संभव ऐसे होंगे जिसके लिए इस संख्या में एन से भाग नहीं लगेगा। बात समझ पा रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को देखिएगा, पहले बताया आज सारे मेंस के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, जो मेंस में सवाल आते हैं ऑटोमेटिक थोड़ा लेवल तो हाई होगा ही ना, लेकिन सारे बच्चे समझदार है हमारे, जो हमें देख रहे हैं वो सब समझदार है, थोड़ा मैंने विश्वास रखिए और पीछे वाले बैकग्राउंड को कीजिए, देखिए कितना आनंद आएगा, और इससे बढ़कर कुछ ऐसे कुछ भी रिमाइंडर थ्योरम में नहीं होगा, जितना हम बता रहे हैं उससे बाहर कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, कितना अच्छा सवाल है आपका, 214 नंबर, बोले ही है कि सारा सवाल आपको मौसम मौसम करवाएंगे। एम एन एंड आर डिविजिबल बाय 5, कर एम में भी 5 से भाग लग रहा है और एन में भी 5 से भाग लग रहा है, तो कह रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये जो चार ऑप्शन दिया इनमें से कौन सत्य नहीं है आपको ये पता करना है, अगर एम और एन दोनों में 5 से भाग लग रहा हो तो निम्न में कौन सत्य नहीं है, था सत्य है पता करना है। देखिए अगर एम और एन दोनों में भाग लग रहा हो ऑटोमेटिक तो उसके अंतर में ही भाग लगेगा, जैसे मान लेते हैं एम का मान लिए 10 और एन का मान लिए आप क्या लिए 5, तो इसका अगर एम प्लस एन करते हैं क्या हो जाएगा 10 + 5 10 + 5 क्या हो गया 15, इसमें 5 से क्या हो रहा है भाग लग रहा है, हर हाल में भाग लगेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब क्या होगा m - n 10 - 5 बराबर कितना हो गया 5, भाग लग गया आपका 10 - 5, मतलब m माइनस एन से डिविजिबल, m² - n² इसको देखते हैं m² - n² इसका मतलब होता है आप खुद जानते हैं m + n * m - n m + n * m - n, भाग लग गया आपका यहाँ भी, मतलब क्या m² - n² में भी आपको किससे भाग लग रहा है 25 से भाग लगेगा, क्योंकि उसका फैक्टर ही m + n, एक बार जोड़ देगा 25 आपका बन जाएगा। अब कह रहा m + n = 10, ये हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि 10 से तभी भाग लगेगा जब उसका इकाई अंक शून्य हो, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं m + n को, अगर हम देखते हैं मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ हम m + n को देखेंगे m का मान 10 + 5 और इसमें अगर हम 10 से भाग करेंगे तो भाग आपका नहीं लगेगा, क्योंकि 15 में 10 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 है। हाँ वही अगर 10-20 लेंगे 30-20 लेंगे तो लग जाएगा, लेकिन m और n के सारे मान के संभव ये बात नहीं है, अगर एक 10 का टर्म हो एक 5 का गुणक ऑटोमेटिक है कि नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा इसका, इसका मतलब ये हो गया m - n में भाग लगेगा, m² - n² में भाग लगेगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर m - n होता ही है, लेकिन m + n में हमेशा ही 10 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि एक आपका 10 और एक आपका 5 का हो और इकाई अंक अगर आपका वहां 5 का बन गया तो 10 से भाग उसमें नहीं लगेगा। इलाका क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है गलत है। सारा सवाल SSC में आया हुआ मेंस का सवाल का क्वेश्चन है जो आपके सामने आज हम लेकर के आए, हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आ पा रहा होगा, वो सोच रहे हैं सर क्या पता है, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो आपके भविष्य में बहुत ही काम देने वाला है, दवा तीता जरूर होता है लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद होता है, थोड़ा तीता जरूर है लेकिन बार बार इसको देखिए और समझिए और विश्वास रखिए, अगर इस पढ़ लेते हैं आपको इससे बाहर के रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ नहीं बचेगा, चाहे मेंस का सवाल हो प्री का हो, इतना कॉन्सेप्ट आपको लेके चले हैं इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल CPU में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कराइए एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन एक धनात्मक संख्या है, देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के ऐसे कुल कितने मान संभव है, देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का ऐसा कितना मान है, एक्स नहीं है ले लीजिए यहाँ भी, एक्स के ऐसे कितने मान संभव है जिसके लिए 2x + 12 इज डिविजिबल बाय एक्स, आपको ये कह रहा है एक्स के ऐसे कितने मान संभव हैं जिसके लिए 2x + 12 क्या है, पूरा का पूरा आपका डिविजिबल है। आपको ये पूछा गया है कि अगर ये पूरा का टर्म प्लस एक्स में प्लस 12 में एक्स से कितने मान से एक्स से भाग दें पूरा का पूरा भाग आपका लग जाए, तो आप ही समझ रहे होंगे यहाँ से अगर से भाग देंगे एक्स से एक्स तो पूरा भाग लग गया, ये पूरा लग हमें क्या देगा केवल 12 / x,
ये तो पूरा पूरा लग जाएगा ना भाग, क्योंकि एक्स इसमें कंप्लीट ट्री है, एक्स एस कट जाएगा, मतलब हमें जो भी एस का मान ध्यान देना वो 12 से डिविजिबल हो वो लेना है। अगर 12 का मान लेते हैं, सोचिएगा अगर 12 का मान समझा के हम लिख रहे हैं, 12 का मान ले एक, 12 का मान ले दो, 3 ले, 4 ले, 6 ले और क्या ले, अगर हम 12 लेते हैं एस के, एस का मान अगर हम एक लेंगे फिर भी पूरा का पूरा भाग ले जाएगा, एस का मान दो लेंगे दो छक्का 12 लग जाएगा, 3 लेंगे लग जाएगा, 4 लेंगे 6 लेंगे, 12 लेंगे सारे सारे क्या होगा लग जाएगा। इसका मतलब है एस के कुल कितने मान संभव है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है एस के कुल कितने मान संभव है, टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन आप खुद बताइए क्या छोटा सवाल 12 था तब ना निकाल लिए हम, मतलब ये क्या, ये क्या दिख रहा है आपको, अगर ये कोई बड़ा संख्या होता तो निकाल पाते, तब क्या करते, ये क्या है 12 का, ये सब क्या है गुणनखंड है ना, मतलब क्या कहते हैं जो संख्या है उसके गुणनखंड की संख्या हम पता कर लेंगे, उसके गुणनखंड संख्या पता कर लेंगे। तो 12 का गुणनखंड संख्या कैसे पता करते हैं, क्या बताए थे, दी गई संख्या, ये क्लास करवा चुके हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पार्ट 1, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखिएगा आपको पता चल जाएगा आपका। 12 का फैक्टर 2 का स्क्वायर गुणा 3, 3 पावर 1, क्या बोले थे निकालने के लिए, सारे गुणनखंड की संख्या प्रत्येक पावर में क्या बोलने बोले थे, 1 जोड़ दिए, 2 पे पावर 1, यहां 1 है इसमें भी क्या करना है जोड़ देना, 2 1 3, 3 दुना कितना हो गया, 3 दुना 6, सब मिला के मतलब कुल कितने मान, जितना फैक्टर बनेगा उतना मान क्या होगा इसका संभव होगा, इसका कितना निकल गया। देखिए वो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ रिमाइंडर थ्योरम में काम कर रहा है, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सिस्टमेटिकल लेके चल रहे हैं, दिखावटी नहीं सिस्टमेटिकल लेके चल रहे हैं। बस आप नंबर सिस्टम के पहला क्लास है आज तक करते आए होंगे, आप लोग का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और बड़े से बड़े सवाल को आप बस यूं ही बना दीजिएगा, पूरा का पूरा विश्वास रखिए इस बात का जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, और इससे बाहर का सवाल कुछ होता ही नहीं है नंबर सिस्टम की। रिमाइंडर थ्योरम में खास करके बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा बृहद कॉन्सेप्ट है, शुरू में ही बताए थे आपको उसके अंदर के, तभी हम रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हैं फिर बहुत सारी बात देखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को ये बात आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ये छोटा मोटा सवाल था, ये ऐसे आया हुआ एग्जाम में है, सोचे आप लोग को बता दें, 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 100 तक गया, इसमें आपको 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा पता करना है, बताइए क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं, देखिए 5 है, 5 आपका क्या है प्राइम नंबर है, टोसेंट क्या होगा, 4 टोसेंट हो जाएगा इसका, अगर इसमें हम 4 से भाग करते हैं ना, बताए थे पावर में 4 से भाग करते हैं, टोसेंट से 4 से भाग करेंगे, अंतिम दो अंक क्या है 0 0, विभवता का नियम आपको हल्का सा पता है, ऐसे टेस्ट एलिजिबिलिटी बचा हुआ है वो बताएंगे, तो 4-5 क्लास में बहुत डीपली कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। 4 की विभवता का नियम ये कहता है अंतिम दो अंक में 4 से भाग लग जाए तो संख्या में 4 से भाग लगेगा, या फिर क्या हो 0 0 हो, क्या देखिए अंतिम दो अंक आपका 0 0 है, इसका मतलब है इसमें पूरा का पूरा किससे भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, अंतिम दो अंक 0 0 है ना, इसका मतलब है इसमें 4 से पूरे में 4 से भाग लग रहा है, अगर भाग लग रहा है इसका मतलब क्या बोले थे, उतना पावर 4/5, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर 1 का, क्योंकि 5 का कोएफिशिएंट 4 है, अगर भाग देने के बाद जो शेष बचता है मतलब पूरा का पूरा भाग लग ही गया है, तो 2 पे पावर 4 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, और 2 पे पावर 4, 5 का कोएफिशिएंट आपका 4, जो कोएफिशिएंट का पावर में होता है रिमाइंडर 1 का होता है, मतलब 2 पे पावर 4 का कोएफिशिएंट, अगर नहीं समझे ये आपको करिए कुछ ना कुछ संख्या मिलेगा, ये कोई संख्या है स्वतः, इसमें अगर 4 है तो बाहर कोई ना कोई संख्या निकलेगा और इसका रिमाइंडर 1, 1 के पावर कुछ भी रिमाइंडर क्या होगा 1 का, कट गया टोटल जो ही कट गया रिमाइंडर क्या देगा आपको वो 1 का। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल, 1973 पे पावर है 973 और जो टोटल पे पावर दिया हुआ है आपका 173 कर, इसका ऐसे इकाई अंक है, लेकिन यहाँ यूज आपका रिमाइंडर थ्योरम का भी कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ बता रहे हैं, अगर हम थोड़ा फंस जाए रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं इसको क्या कर सकते हैं 1973, क्योंकि हम जानते हैं x पर पावर m और ब्रैकेट में अगर n हो जिसको क्या कहते हैं x पर पावर m गुना n कहते हैं, ये क्या हो गया 973 गुना 177। अब देखिए इतना गुना करना तो कठिन है, तो गुना करेंगे तब ना इकाई अंक के लिए क्या बताते हैं पावर में 4 से भाग करते हैं, गुना करेंगे क्या करेंगे इकाई के पावर में 4 से भाग कर देते हैं, अगर पूरा का पूरा लग गया तो रिमाइंडर पावर 4 रखते हैं, अन्य तो जो शेष बचा हुआ रखते हैं 4 से भाग देंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना बनेगा आपका 4 × 8 4 × 16 1 × 4 × 4 रिमाइंडर कितने का हो गया 4 × 8 1 4 × 16 1 4 रिमाइंडर 1 का, और यहाँ देखिए क्या होगा रिमाइंडर 4 से भाग करेंगे तो 4 × 16 1 4 × 16 4 × 16 1 4 × 16 रिमाइंडर यहाँ कितने का हो गया 1 का हो गया, इसका मतलब हो गया 1 × 1 फाइनली 1/4 का रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया, और क्या बोल इकाई अंक के लिए केवल हमें इकाई अंक से काम होता है, इकाई अंक 3 पे पावर 1, इसका मतलब है इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, इसका इकाई अंक 3 बन जाएगा। ये बस ये दिखा रहे थे कि इसमें भी हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर थ्योरम आज आपका खत्म कर रहे हैं, कुल मिला के 10 क्लास आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम का ले चुके हैं, अगर
अगर आप लोग सही तरीके से क्लास ये किए होंगे तो इससे बाहर का कोई कंटेंट नहीं होगा। बस इस सारे दसों क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़ जाइए, रिमाइंडर थ्योरम के बड़े से बड़े सवाल को आप यूं सॉल्व करके खत्म कर दीजिएगा। हम आपके सामने कंटेंट दिए, दिखावटी नहीं, हम आपके सामने सारे कंटेंट को रखे हैं। अगर आप लोग पार्ट वन से इसका स्टार्ट कीजिए रिमाइंडर थ्योरम का और पार्ट दस तक सारे दसों पार्ट को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो पूरा विश्वास रखिए कि कोई भी एग्जाम आप देंगे रिमाइंडर थ्योरम से सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा रिमाइंडर थ्योरम का फुल पैकेज आपके सामने हम रख चुके हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टू डिजिट पढ़ने के लिए, क्योंकि काइन तो पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, रिमाइंडर थ्योरम खत्म कर दिए, रिमाइंडर थ्योरम का कुछ पार्ट और बचा हुआ है वो भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन पहले आपने लास्ट टू डिजिट वो भी रिमाइंडर थ्योरम का ही कंसेप्ट वहां काम करता है, लास्ट टू डिजिट में भी और लास्ट थ्री डिजिट भी लेके आएंगे वहां भी रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट काम करता है, सबको बताएंगे। फिर आपको स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, लंबा कहानी चलेगा, बस आप लोग बने रहिए, अपना प्यार स्नेह हमें लाइक कमेंट के रूप में देते रहिए तो आपके सामने हम अच्छे अच्छे कंटेंट को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपको फायदा हो और आपका भविष्य अच्छे, आपके भविष्य बनने में कहीं कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जहां तक हमारा योगदान हो हम आपको योगदान देते रहे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा लास्ट टू डिजिट अंतिम दो अंक ज्ञात करना, जो बहुत ही यूनिक कॉन्टेंट होगा, यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।